रवि मैं आ गया हूं, अंजलि को छोड़ दे। रवि बच्ची को अगर खरोच भी आई ना तो सोच ले तेरी दुश्मनी मुझसे है, अंजलि को छोड़ दे। अंजलि सर अगर दया सर को कुछ हो गया तो भूल जाऊंगा कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर, उन लोगों को जिंदा जला दूंगा सर मैं। लेकिन एक सीआईडी ऑफिसर के मुंह से ऐसी कानून तोड़ने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ नहीं होगा दया को, मुझे पूरा विश्वास है। तेजू को फोन लगाओ, पता करो वो लोकेशन कहाँ पे है। सर हेलो आने चो भाई, कुछ पता चला उस जगह के बारे में? ओके ओके थैंक यू सर। वो जगह पृथ्वीराज नगर के पास में। पृथ्वीराज नगर? छह गोली खत्म हो चुकी है, अब ये नहीं बचेगा। बच्ची को लेके दया फरार हो गया है, पतना नहीं चाहिए, चलो निकलते हैं, चलो आओ। की बाइक सर, ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जो अंजलि ने ड्राइंग में बनाई थी। हाँ बिल्कुल वैसी है, उधर देखो। आसपास होगा, देखो।
सर की गन। सर दया सर की गन मेरे पास है। दया की घड़ी। सर कहीं दया सर को तो कुछ हाँ बोलो बस। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मेरे पूरे प्लान को मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। मामूली सा एक मामूली सा काम दिया था तुम लोगों को, तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। बॉस दया को पकड़ना इतना आसान नहीं है। 20 आदमियों का ताकत रखता है अपने पास और हम सिर्फ 3 कैसे पकड़ेंगे? तो फिर 17 लोग और ले जाते। जितने लोग चाहिए लेकर जाओ, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा मैं। लेकिन दया, दया किसी भी हाल में चाहिए मुझे। दया को गोली मार के उसकी लाश आपके पास लेके आऊं क्या? नहीं, तुम लोग उसे नहीं मारोगे। दया मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा। उसकी मौत मेरे इन शुभ हाथों से लिखी है। सालों से इस पल को इंतजार कर रहा था मैं कि कब उसकी सांसें रोक सकूं। ठीक है, कोशिश करता हूँ जिंदा लाने की। कोशिश नहीं, लानी ही पड़ेगी लंगूर के तुम। इससे पहले कि सीआईडी उस तक पहुंचे, उसे ढूंढो और लेकर आओ मौत के दरवाजे तक। ठीक है बॉस, कोशिश करते। चलो रे। दया, तुझे मुझसे दया नहीं मिलेगी तो सर मौत, मौत। मैंने दया को बहुत ढूंढने की कोशिश की सर, आसपास देखा लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ उसकी घड़ी मिली और वहां पे खून पड़ा हुआ था। अगर दया सर को वहां जाने की जरूरत क्या थी? वो वहां गए क्यों सर? सर दया सर तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा सर। है एक रास्ता है। वो क्या सर? बस पता लगाना पड़ेगा कि अंजलि को कैसे पता चला कि दया की जान को खतरा है। ये बात तो अंजलि बता सकती है सर, लेकिन अंजलि खुद उनके कब्जे में है। वही तो एक काम कर सकते हैं अभिजीत, अंजलि के घर वालों से फिर से जाकर मिलना पड़ेगा। उसे पूछना पड़ेगा कि अंजलि कहां कहां जाती थी, किस किस से मिलती थी, कौन कौन लोग उसके साथ होते थे। उन्हीं से पता चल जाएगा दया तक पहुंचने का रास्ता।
तुम ठीक हो? चलो यहां से चलते हैं। क्या हुआ? नहीं बेटा, हमें किसी की मदद चाहिए। मुझे चोट लगी है और इस हाल में हमारा बचना मुश्किल है। वो लोग यहीं कहीं आसपास है, यहीं कहीं आसपास है बेटा, किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। चलो, मैं जानता हूं मुझे गोली लगी है, मगर मैं ठीक हूं। और तुम हो ना मेरे साथ? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डरने की कोई बात नहीं। चल, क्या करें? चलो चलो चलो। यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। मैं दो मिनट में, दो मिनट। अंजलि, अंजलि, हे, ये गोली चलने की आवाज कहां से आई? हे, मुन्ना, तुझे क्या हुआ? किसने गोली मारी? सीआईडी वाले ने। सीआईडी वालों ने? कहां गए वो? इधर गए। उठा इसको, उठा, उठा इसको, उठो, उठो, जल्दी उठ, जल्दी। भगवान के लिए मेरे बच्ची को वापस ले आई। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मैम, मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। भरोसा रखिए, बहुत जल्द आपकी नन्ही परी फिर
फिर से आपकी गोद में खेल रही होगी, ये सीआईडी का वादा है आपसे। अब आप ये लोग मेरी बेटी की जान बचा सकते हैं। बस आपसे भी थोड़ी सी मदद चाहिए। कहिए सर, क्या करना है? मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान दे सकता हूँ। हमें बस अंजलि के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। उसका डेली शेड्यूल क्या था, वो सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करती थी? अंजलि सुबह 6 बजे उठती थी, फटाफट तैयार होकर 7 बजे स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद वो खाना खाती थी, खाना खाने के बाद होमवर्क करके सो जाती थी। सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलने के लिए शाम को बाहर जाती थी, फिर रात को खाना खा के जल्दी सो जाती थी। उसकी एक एक आदत को याद करके मुझे और रोना आ रहा है। मैम प्लीज रोइए, हम अंजलि तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। सर, अंजलि के डेली रूटीन से तो नहीं लग रहा है कि उसने कहीं भी इस प्लान के बारे में सुना हो। नहीं शाह, हो सकता है उसने स्कूल में कुछ सुना या फिर बाहर बच्चों के साथ खेलते वक्त। एक काम करते हैं, बाहर चल के बच्चों से पूछते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ पता। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और इस जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो? तुम बोल नहीं सकती? हे भगवान! अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे? कुछ हुआ है जंगल में? चलिए होना चाहे। बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। पता कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है ये सब तुझसे? किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन साहब सिर्फ इतना जानता वो कह रहा था क्या कि वो आपको पूरा दुश्मन था। हाँ बेटा, हम लोग सीआईडी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रजत और ये श्रेया है। अरे वाह, मेरा नाम भी रजत है, आपका नाम भी रजत है, सेम पिंच। ये सेम पिंच क्या होता है? आपको इतना भी नहीं पता, जब दो लोगों के बीच में कोई चीज सेम हो, जैसे कि उनका नाम, बर्थडे या फिर कपड़ों के कलर, तो हम सेम पिंच करते हैं। अरे वाह रजत, तब तो आपको भी सेम पिंच। अब हम सब दोस्त बन गए, तो कुछ बातें करें? बातें क्या करनी है दीदी, चलिए ना बॉल से खेलते हैं। ठीक है, चलो सब अपने अपने खिलौने यहाँ रख दो और एक सर्कल बना दो। चलो चलो, बड़ा सर्कल, चलो।
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या अंजलि भी आप लोगों के साथ ऐसे ही खेलती थी? हाँ, पर वो कुछ दिनों से ठीक से नहीं खेल रही थी। ठीक से नहीं खेल रही थी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं अंकल, बट वो एक जगह पे खड़ी रहती थी कोने में। कहाँ? आइए मैं सब मैं बताती हूँ। जब भी बॉल इस तरफ आती थी तो बॉल को छोड़ देती थी, और इस सोसाइटी के गेट के अंदर बॉल लेने चली जाती थी और बहुत टाइम के बाद बाहर आती थी। सर, हो सकता है अंजलि ने उस प्लान के बारे में इसी सोसाइटी के अंदर सुना हो सकता है। श्रेया, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।